हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज और एक नए वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि है MIT यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आप भी 12th के बाद कहीं एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आज आपको इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि 6th नंबर पर आती है, मतलब उसकी रैंकिंग जो कि है 6 है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ MIT यूनिवर्सिटी के एस्टाब्लिश के बारे में। सो MIT यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश ईयर है 1986 और ये लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में। मेन सिटीज का उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। लाख से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात करती हूँ इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कोर्सेज के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में एंड प्लेसमेंट के बारे में। MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में है और NCT, BCI, AICT, COA, AIO, UGC सभी से एफिलिएटेड है, मतलब ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। कोई डाउट नहीं है, आप आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज के बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पे BTEC, BBA, MBA, MSc, BA, BCA प्लस MCA सारे कोर्सेस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ की जो कि फैकल्टीज है वो काफ़ी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज यहाँ पे है। MIT यूनिवर्सिटी में प्रॉपर क्लासेस होती है, एनवायरनमेंट विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज गुड, यानी कि एक तरह से वो स्टूडेंट्स के साथ कोलैब तरीके से काम करते हैं। MIT यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इस यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। हर तरह का फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए कैफे प्रोवाइड किया गया है और खाने पीने की हर चीज आपको मिल जाएगी। MIT यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर आप लोगों को हर तरह का बुक्स मिल जाएंगे। MIT यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम भी है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हर तरह का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को नहीं होती है। MIT यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी है और अदर एक्टिविटीज भी है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं MIT यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट के बारे में। MIT यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। MIT यूनिवर्सिटी हैज़ रिलीज्ड इट्स प्लेसमेंट रिपोर्ट फॉर द बैच ऑफ 2021। MIT यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है वो हर साल का अगस्त महीने में स्टार्ट होती है। Around 340 companies were invited to participate in the placement drive and over 2280 placement. Offers have been offered till now. अभी बात करती हूँ हॉस्टल्स के बारे में। हॉस्टल्स की जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। हॉस्टल्स में आपको AC प्रोवाइड किया जाते हैं, हॉस्टल्स वेल फर्निश्ड है और गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल्स दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। तो
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो कि बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो छोड़ूं आप लोगों के पास तुरंत ही नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच जाए। और गाइस, अगर एडमिशन लेना हो या फिर इन्फॉर्मेशन गाइड करनी हो तो मेरे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क जरूर करना, आप लोगों को वहीं से पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले एक नए कॉलेज के साथ।